हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्नो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। मैं हूं साहेब, आपका दोस्त चैनल होस्ट। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एंड्रॉइड स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइम कैसे देखें। हम अपनी फ़ोन कितनी देर चलाया हूं, कौन सी ऐप कितनी टाइम चलाया हूं, ऐप में टाइम स्पेंड किया हूं, कैसे पता करें। नॉर्मली दोस्तों हर एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ये सेटिंग होता है, हम पता कर सकते हैं हम अपनी फ़ोन कितनी देर चलाया हूं, कौन सी ऐप कितनी टाइम हम चलाया हूं, हम पता कर सकते हैं, हम डेट बाय डेट पता कर सकते हैं, हम आज की डेट में कौन सी ऐप कितनी टाइम चलाया हूँ, हम कल कितनी टाइम चलाए थे, कौन सी ऐप चलाए थे, हम पता कर सकते हैं अपनी फ़ोन। तो हम कैसे पता करें, मैं आपको प्रैक्टिकली मोबाइल की स्क्रीन में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा एंड्रॉइड स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइम कैसे पता करें। छोटी सी वीडियो होगी, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए मोबाइल की स्क्रीन में एंड्रॉइड स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइम पता करने के लिए हमें जाना होगा एंड्रॉइड स्मार्टफोन की सेटिंग में। देखिए दोस्तों, फिलहाल ये मेरा वीवो का फ़ोन है, हमें जाना होगा सेटिंग में। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, हमें स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए दोस्तों, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। हमें जाना होगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में, हमें टैप करना होगा। या तो आप ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर सर्च कीजिए डिजिटल वेलबींग, यहाँ पर आप लिख के सर्च कीजिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए दोस्तों, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल आ गया है, इसमें हमें सिंपली टैप करना होगा। उसका देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा देगा आज की डेट में कितनी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया हो। देखिए दोस्तों, आप फोन कितनी टाइम चलाया हो अभी तक आज की डेट में। टुडे देखिए दोस्तों, मैं 21 मिनट मैं चलाया हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा फ़ोन है ये मेरा मेन फ़ोन नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए ही करा हूँ। देखिए दोस्तों, आज मैं 21 मिनट यूज़ किया हूँ ये फ़ोन। देखिए दोस्तों, यूट्यूब कितना टाइम, देखिए दोस्तों यूट्यूब सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंस्टाग्राम, सेटिंग्स, आदर्स, यहाँ पर देखिए दोस्तों एल्बम आदर्स, हम इतनी टाइम टोटल स्पेंड किया हूँ। देखिए दोस्तों, 21 मिनट, 21 मिनट हम टोटल मोबाइल चलाए हूँ आज का डेट में। देखिए दोस्तों, नीचे है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10 अनलॉक। देखिए दोस्तों, हम 10 बार अनलॉक किए हैं फ़ोन, लॉक करने के बाद स्क्रीन जो अनलॉक करते हैं 10 बार किया हूँ। 23 नोटिफिकेशन आया है। देखिए दोस्तों, अब हम डिटेल्स में जानना चाहते हैं, देखिए हम कौन सी ऐप कितनी टाइम हम स्पेंड किया हूँ, कौन सी ऐप कितनी टाइम हम दिया हूँ। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना होगा, सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आप टुडे आज के डेट में आप कितनी टाइम स्पेंड किए हो। देखिए दोस्तों, 22 मिनट में आज की डेट में आप क्या क्या किए हो। देखिए दोस्तों, यूट्यूब 11 मिनट, इंस्टाग्राम 3 मिनट, सेटिंग 3 मिनट, एल्बम 1 मिनट, देखिए दोस्तों जियो सिनेमा 1 मिनट, जी मेल, व्हाट्सअप, देखिए दोस्तों सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। आज का डेट नहीं, देखिए दोस्तों आइंदा कल जो कल चलाया गया है, देखिए दोस्तों उस डेट में आप क्यों कौन सी ऐप कितनी टाइम यूज किए, तो यहाँ पर आप टैप करके देख सकते हो। देखिए दोस्तों, उसके अगले दिन क्या किया हो सब आप टैप करके देख सकते हो। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कौन सी ऐप कितनी टाइम आप यूज किए हो, अब आज की डेट में, या तो पहले आप यूज किए थे, कल की डेट में आप यूज किए थे, तो आप पता कर सकते हो, आप देख सकते हो। और दोस्तों, आप यहाँ पर टाइम भी सेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप कोई ऐप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप दिन में यूज कर रहे हो, आप टाइम सेट कर दीजिएगा तो क्या होगा, उस टाइम के बाद अरे यूज नहीं होगा, उस दिन के लिए अरे यूज नहीं होगा, स्टॉप आपको नोटिफिकेशन कर देगा जो आप इतनी टाइम यूज कर लिए हो, ऑलरेडी यूज कर लिए हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइड में आप टाइम सेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा है जो आप YouTube ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो YouTube में, तो आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो, आप कितनी टाइम 30 मिनट या 1 आवर्स कितनी टाइम करके यहाँ पर ओके कीजिएगा, उतनी टाइम हो जाने से आपको नोटिफिकेशन दे देगा जो आपका टाइम ओवर हो गया। बस आप इसी तरीके से आप देख सकते हो जो आप कौन सी आप कितनी टाइम यूज किए हो। इसी तरीके से दोस्तों, आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइम देख सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरीके के मोबाइल रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी वाले को सिलेक्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।